नमस्कार, मैं अशोक व्यास, कार्यक्रम विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आज का दिन लेबर डे के रूप में जहां मनाया जाता है, श्रम की महत्ता पर जोर और श्रमिकों का सम्मान करने का ये दिन है। प्रेरणा से भरे हुए इस दिन आज के विजन ऑफ एशिया में हम आपके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं एक खास रिपोर्ट। पवित्र जल के संकलन के साथ इसका संबंध है और ये जल राम जन्मभूमि शिला के लिए एकत्रित किया गया। हमारी इस खास रिपोर्ट के अलावा आज के कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाएंगे उस कवि सम्मेलन के अंश जो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन शिक्षक दिवस के अवसर पर जूम द्वारा आयोजित किया गया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन एजुकेटर्स द्वारा। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कैसे अपनी उदारता या कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कोविड-19 के द्वारा ग्रस्त होने के बाद स्वस्थ हुए प्रमोद भगत ने क्या नया बीड़ा अपने लिए चुना है। इन सब रिपोर्ट्स की तरफ आपको लिए चलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। फिर एक बार स्वागत है आपका विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसी खास रिपोर्ट से जिसमें आप यात्रा करेंगे कई मंदिरों की, और इस यात्रा के पीछे प्रेरणा जहां ITV गोल्ड के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक की है, वहीं वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फाउंडेशन के चेयरमैन प्रमोद भगत और उनके साथियों का भी समर्पण जुड़ा हुआ है। संदर्भ है भारत में राम जन्मभूमि स्थल पर निर्माणाधीन मंदिर का, और वहां से आया वो प्रेरक संकेत जिसको लेकर सब उत्साह से भर उठे और सब कार्यकर्ता वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फाउंडेशन के पहुँचे कई मंदिरों में, जिसमें योगा डिवाइन सोसाइटी, दुर्गा मंदिर, श्री उमिया परिवार, स्वामी नारायण मंदिर, सनातन मंदिर, हिंदू टेंपल मावा, ब्रिज धाम, भारत सेवाश्रम और बालाजी मंदिर सम्मिलित हैं। और इस रिपोर्ट में आप न केवल देखेंगे झांकियां उन मंदिरों की, साथ ही आप मिलेंगे उन उत्साही समर्पित सदस्यों से जिन्होंने वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से इस कार्य को, इसकी पावनता को अपने हृदय में धारण रखते हुए क्रियान्वित किया। हेलो डियर फ्रेंड्स ऑल ओवर द नॉर्थ अमेरिका, USA एंड कैनेडा एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, दिस इज पद्मश्री डॉक्टर सुधीर परीक, चेयरमैन ऑफ द परीक फॉर वर्ल्ड मीडिया एंड ITV गोल्ड, as well as all the trustee of World Peace and Health Foundation, USA, are welcoming you to a great auspicious ceremony of Bhumi Pujan. We got the calling from the Ram Temple Committee and its chairman, to bring the waters from the all over the USA, holy water all over the USA, and those holy water has to be we did a puja, and that holy water is going to go to the Ayodhya, and we're going to pour onto the foundation
to make the Ram temple our contribution to the Ram temple. Now I would like to साल के बाद मोर देन 500 ईयर्स प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी उनमें अथक प्रयास और भारत के अनगिनत लोगों का उसमें ब्लड सेड हुआ, अनगिनत लोगों के प्रयास से आज वो हिस्टोरिकल मंदिर पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का वहाँ पे उसका भूमि पूजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। और वहाँ के मैनेजमेंट की तरफ से जो खबर आई है कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि पूरे वर्ल्ड से मंदिर से वो और तीर्थम वाटर ओशन के तीर्थ वाटर वो लोग इकट्ठा ले रहे थे और उसमें हम लोग यहाँ से हमारी पूरी टीम हमारे पूरी जो एग्जीक्यूटिव टीम है हमारे ट्रस्टीज लोग हमारे सभी लोग जाकर के अलग अलग टेम्पल्स में उन्होंने तीर्थम जल इकट्ठा किया। हम लोग आज वीडियो बना रही हो हम लोग आज एडिसन न्यू जर्सी के उमियाधाम मंदिर में हैं। मंदिर के प्रांगण में आज यहाँ से तीर्थम जल हम लोग स्वीकार कर रहे हैं और प्रभु राम की कृपा से ये काम हम लोग को स्वीकार सौंपा गया है और ये तीर्थ जल ट्यूसडे को यहाँ से भारत के लिए रवाना होगा। जय श्री कृष्णा, जय उमिया माता की, उमिया माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। वी आर वेरी वेरी ग्लैड wherever वी वेंट इन द टेंपल all the priest everybody whoever was present there at the temple they were very pleased very touched that we are doing this kind of work and we pray to almighty god prabhu ram ji to give us his darshan very soon within a year or so we will be very very glad we will go as a team and celebrate the occasion रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे भो चित्तलय भो राम उद्धर। दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि जिसमें र और म शब्द नहीं आता है। अगर र या म में किसी को हटा देंगे ना तो पूरा मंत्र अपभ्रंश हो जाएगा। जैसे ओम नमः शिवाय नम में माँ आया राम का माँ आया अगर मन निकाल दो तो ओम नमः शिवाय हो जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें र और म नहीं आता है। तो ऐसे हमारे राम भगवान की अयोध्या के अंदर हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति की अभी जो मंदिर हो रहा है भक्तों की कृपा से ऋषियों की संतों की सब लोगों के मिलकर प्रार्थना किया हुआ है। हे भगवान राम ऐसा मंदिर वहां शिलान्यास हो कि जब तक चांद रहे जब तक सूरज रहे तब तक हमारा मंदिर अजर रहे अमर रहे और शाश्वत रहे और खंडित कभी न हो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आवर स्मॉल टोकन कंट्रीब्यूशन फॉर द बिल्डिंग ऑफ राम टेंपल एट अयोध्या
When we heard that they have asked for the holy river waters from various sources of the world, this was a good decision from the committee members, and thanks to all the team members who worked tirelessly to collect this, and we will be sending it across to India as a contribution from all the people of North America. So we thanks to the all the team member of World Peace and Health Organization, and also to the ITV Gold for conducting this and organizing this event. We are very fortunate today that we have holy water from all the temples of United States and from all the rivers. And this water was collected after prayers to the God and different temple. It was done after collected after the puja, and we are so fortunate that we have this opportunity to collect the water for the Ram temple, construction of the Ram temple, and for the foundation of the Ram temple. And we thank the temple committee as well as our Prime Minister Narendra Bhai Modi to give us such a opportunity. भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो कि हम लोगों को ये काम मिला है करने के लिए. तो मैं अयोध्या की कमेटी को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने हमें ये काम दिया और हम लोगों ने ये होली वाटर इकट्ठा किया भगवान को अमृत. कहीं से इनको तीर्थम जल कह के दिया गया, कहीं से इनको पंचरामृत कह के दिया गया, तरह तरह के नाम इन जल को दिए गए. और जब जल लेके हम लोग आ रहे थे तो हमें कभी सोचा भी नहीं था कि रामलला के मंदिर के लिए एक हमारा भी छोटा सा ऐसा सौभाग्य होगा कि जो कि हम लोग जुड़ सकेंगे. उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, और मैं धन्यवाद पारिक भाई साहब को कहती हूँ जो आपने हम लोगों को जोड़ा इस कार्य में, और धन्यवाद अयोध्या के सभी कमेटी मेंबर को कहती हूँ हमेशा हम लोग को इसी तरह जोड़े रखें. और रामलला गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं बोलूँगी कि ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान राम ने हमको अपने इस कार्य में एक छोटा सा पार्ट निभाने के लिए दिया. और बहुत बहुत सालों की तपस्या, बहुत लोगों की और बहुत इंतज़ार के बाद हम भाग्यशाली हैं कि हमको राम जी का मंदिर देखने के लिए मिलेगा. और हमने ये जो तीर्थम जल है या भगवान के अभिषेक का जल है या चरणामृत है, तो ये सब मंदिरों से हमने लिया, ब्रज धाम से, बालाजी टेंपल से, स्वामी नारायण से, बहुत सारे. और सबके सबने बहुत प्यार से, बहुत ही हमारा भगवान की बहुत उत्साह से ये जल हमको दिया. और ये सभी जल वहाँ भूमि पूजन में वहाँ पे सभी लोग उसको डालेंगे. और ये एक सिंबॉलिक कि प्रभु राम, हमारे पुरुषोत्तम राम जो थे, वो शांति के दूत, और पूरी दुनिया में उन्होंने शांति समृद्धि का जो उन्होंने जो संदेश दिया था. तो आज उस मंदिर के निर्माण में हम लोग बहुत अभिभूत हैं कि हमें इस काम के लिए चुना गया, और हम इस काम को पूरे पैशन के साथ हमारी पूरी टीम ने किया. अपनी पूरी टीम को भी धन्यवाद देंगे, सभी मंदिर के ट्रस्टीज़ जिन्होंने पूरे डिवोशन के साथ इस पूरे प्रोग्राम को अलग अलग इस पैनेडमिक टाइम में, इस ए वेरी हार्ड टाइम फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने जो प्रयास किया, 100 अब लोग आकर के लोगों ने गरबा किया, लोगों ने अलग अलग ढंग से रिस्पेक्ट कि हम लोग के मंदिर को उसमें सेलेक्ट किया गया जहाँ से हम मंदिर के जल को वहाँ भेज सके. तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत, और सभी लोग जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, मंदिर के ट्रस्ट हैं, और जिनको भी पता चला, सभी लोग उस कलश को टच करने के लिए कि शायद हमारी भी वो एक गिलहरी की भांति, एक चींटी की भांति प्रभु राम के उस मंदिर में हमारी भी एक छोटी सी आहुति वहाँ पर जाए. और सभी लोगों ने परमात्मा से यही प्रे किया है कि प्रभु जल्दी से आपका वो मंदिर, रामलला जी मंदिर वहाँ, आप वहाँ विराजें और हम लोगों को आप वहाँ बुलाएं कि अपने इस जीवन में 5 जनरेशन के बाद जो मौका मिला है, हम भी अपने आंखों से वो दर्शन कर सकें. धन्यवाद. ऑलराइट, रिक्वेस्ट ऑल माय फ्रेंड्स, दोज हु आर हियर, टू जस्ट पुट द वाटर फ्रॉम द डिफरेंट टेम्पल, होली वाटर, इन टू दिस जग विच विल गो टू द अयोध्या. And it will be kind of put on the on this Bhumi Pujan of the Ram temple. So Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.
और अब आज के विजन ऑफ एशिया कार्यक्रम में हम आपको लिए चलते हैं झलकियों की तरफ, उस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की जिसका संचालन किया सुषमा मल्होत्रा ने, एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन एजुकेटर्स की ओर से आयोजित। इस गोष्ठी में भारत से भी कई कवि जुड़े, जिनमें प्रख्यात कवियत्री और संस्कृत की प्रोफेसर शशि तिवारी जी भी शामिल थी। न्यूजर्सी से अनूप भार्गव भी सम्मिलित हुए और वरिष्ठ कवि डॉक्टर बिजॉय मेहता भी इस गोष्ठी का हिस्सा बने। प्रस्तुत है सुषमा मल्होत्रा जी द्वारा संचालित इस काव्य गोष्ठी के कुछ अंश। तो आज मैं एजुकेशन एजुकेटर्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इंटरनेशनल कवि सम्मेलन पर आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, तो आज हम ये दिवस मना पा रहे हैं। सो आप सबको मेरा धन्यवाद। मल्होत्रा जी फॉर गिविंग मी दिस रिसाइट पोएट्री ऑफ माय लेट फादर कवि डॉक्टर ओम प्रकाश गौड़ प्रवासी जी की राधिका महाकाव्य शेर काव्य से आशीर्वाद चाहूंगी। तन की झोली मिली जहां से, मन की झोली नहीं भरेगी। तन की झोली मिली जहां से, मन की झोली वहीं भरेगी। जन्म भूमि का प्यार अमर है, मेरी शरदा वहीं झुकेगी। तो आज मैं कान्हा के बारे में, आपको पता है कि मैं कान्हा की दीवानी हूँ और उसको बार बार बुलाती हूँ, पता नहीं कब आएगा वो। तो मैंने इस पर एक गीत लिखा है। मेरे रोम रोम में बसने वाले घनश्याम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। चल जहां क्षितिज के मधुघट तट पर, चल जहां क्षितिज के मधु तट पर, नीरव निशीत करती झनझन। नीरव निशीत मतलब शांत रात्रि, कोलाहल विहीन रात्रि। चल जहां क्षितिज के मधु तट पर, नीरव निशीत करती झनझन। अग्नित दीप नव दीपों से सुसमित, वह सरस विजन छवि का कानन। अब मैं जो अपनी कविता पेश करने जा रही हूँ, मुट्ठी से रेत की फिसल रही है जिंदगी। मुट्ठी से रेत से फिसल रही है जिंदगी, सागर की हर लहर से, सागर की हर लहर से कभी खुशी से गुदगुदाती है। तुम हो चांद, तुम हो सितारा, तुम हो लहर, तुम हो किनारा, तुम हो आंसू, तुम हो तन मन, तुम सूरज हो, तुम हो धड़कन, तुम हो शाम, तुम हो सवेरा, तुम हो चांद, तुम हो सितारा, तुम हो लहर, तुम हो किनारा। अनजाने राहों में, आधी तूफानों में मिले थे तुम्हें, जीने का सहारा पिया मिला था हमें। आज तुम याद आए, मन नहीं चैन पाए, लगे ना लगे ना जिया, आज तुम बिन याद आए वो सज दिन। धन्यवाद। हम अपने आप को अपनाने से कतराते हैं, जब पूर्णता मिल जाए तो घबराते हैं। अब तो होने लग गया है कुछ ऐसा कि पवित्रता से बचने काला टीका लगाते हैं। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब तो होने लग गया है कुछ ऐसा कि पवित्रता से बचने काला टीका लगाते हैं, जिसकी शरण लेते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हम हैं बड़े रचनात्मक, अपना चक्रव्यूह खुद बनाते हैं और किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं, और किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं। घेरा बनाकर अपने लिए हम खुद उसमें फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। बहुत खूब अशोक जी। सबको मेरी उड़ान पर एतराज क्यों है, मेरे सच बोलने पर एतराज क्यों है, मेरी हर बात से ये जमाना नाराज क्यों है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। है कोई अपना यहाँ या सब बेगाने हैं, क्या कहा, मेरे शब्द ही बेमाने हैं। बहुत अच्छे। लेती हूँ आज प्रण यही
कि इन शब्दों के अर्थ गंभीरे से सबको परिचित करवाना है और इस परकटी परी को नए पंखों की तलाश में फिर से चले जाना है। आज फिर उन पेड़ों के तले दो साए लहराए हैं। आज फिर उन पेड़ों के तले दो साए लहराए हैं, दो दिल कुछ कहने सुनने आए हैं। आज फिर उन पेड़ों के तले दो साए लहराए हैं, आज फिर दो दिल कुछ कहने सुनने आए हैं। कितनी कादिश से सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं। कितनी कादिश से सोते जागते लम्हे चुरा कर लाए। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम आईटीवी गोल्ड पर। यह कार्यक्रम सोम मंगल बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे हम आपकी सेवा में पेश करते हैं। साथ ही एक साप्ताहिक विशेष अंक विजन ऑफ एशिया का आपके लिए पेश किया जाता है रविवार को सुबह 11 बजे। हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ें, इस दिशा में आपका उत्साह वर्धन हमारे लिए संबल है और उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन, बने रहे हमारे साथ, होते हैं हाजिर इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब आज के विजन ऑफ एशिया कार्यक्रम का समापन करने से पहले एक पावन समाचार, मंगलमय समाचार। इम्यूनिटी बूस्टर गिलोई टैबलेट के वितरण से संबंधित प्रमोद भगत ने धन्यवाद किया भारत के प्रधानमंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री और भारत के उस आयुर्वेद का जिसके चलते उन्हें गिलोई टैबलेट को भी अपनाते हुए ये आश्वस्ति हुई कि इसके द्वारा COVID-19 जैसी बीमारी का सामना करने में, उनके संघर्ष को सफल होने में मदद मिली। उन्होंने अपने लिए ये संकल्प लिया कि वो इसका वितरण निःशुल्क करेंगे, यही घोषणा कर रहे हैं प्रमोद भगत। हाय, दिस इज पद्मश्री डॉक्टर सुधीर परीख, चेयरमैन ऑफ परीख वर्ल्डवाइड मीडिया एंड आईटीवी गोल्ड। इट्स माय प्रिविलेज एंड ऑनर टू इंट्रोड्यूस यू प्रमोद भगत, एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी ऑफ वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फाउंडेशन। ही विल इंट्रोड्यूस यू ए इम्यूनिटी बूस्टर मेडिकेशन फ्रॉम इंडिया। दिस इज़ अ बिग जर्नी स्टार्टेड इन मार्च व्हेन द होल पैनडमिक टाइम स्टार्टेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देन आई वॉज अ कोरोना सर्वाइवर एट दैट टाइम। इनिशियल टाइम आई गॉट स्टक and then with a lot of prayers of all our society, community, I'm thanking to all our friends and doctors, my families and all my volunteers and all community leaders. They all are praying for me and then I realized that the way I got cured, I want to bring this whole things to, you know, whole community. And then I know that in India, our Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi, our health minister, Mr. Harshvardhan, Dr. Harshvardhan, and Ayush Mantralaya, many saints, they are mentioning about that, what this giloy, this is a amrita, this is a herbal product, this is a tree plant tablet, and this is a very in demand after, because this is a very highly potential herbal products, and this product having a more than 15-20 very special property. That's why people are saying it's amrita. Amrita means immortal, never die, and it helps to the person for, you know, from 2 years old to till 100 years old, no issues, and there is no any side effects. It reduces the fever, it's increase the immunity. So this herbal product, this we are, you know, distributing to the community. That what our promise after when I get cured, thousands of our families, friends and community. And so this is a Patanjali product. So we have many products from different companies, but this Giloy, very helpful. So please take it. And if you want to be take it from us, it's a free of cost. We are not charging anything. And we are going to give it to anybody. That's for the social work, service for humanity. That's the meaning of World Peace and Health Foundation. और आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर आईटीवी गोल्ड के मित्र बने और आईटीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी ओर से इवेंट्स के बारे में और अपनी प्रतिक्रियाओं के बारे में हमें अवगत कराते रहें, लिखें events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।